नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आपको शनिदेव का प्यार मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवनकाल में एक से एक नया खेल शुरू होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों आपकी इस जानकारी के लिए बता दें कि अगले 3 दिनों तक जो ग्रहों की तिथि बनने वाली है दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही विपदाकारी नहीं बल्कि शुभकारी रहने वाली है। जय दोस्तों, ग्रहों का जो मिलनसार है, ग्रहों की जो गोचर है और शनि और जो बुध का संयोजन है, आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा लाभकारी स्थितियाँ लेकर आने वाली है। जय दोस्तों, जिनमें से शनि का असर सबसे ज़्यादा प्रभाव आप सभी की कुंडली पर, आप सभी की राशि पर पड़ने वाले हैं। जय दोस्तों, आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवनकाल में शनिदेव का बहुत ही गहरा असर मिलेगा, जिससे दोस्तों शनिदेव का बहुत सारे खेल आप सभी के राशि पर शुरू होंगे, बहुत सारे बदलाव आप सभी के जीवनकाल पर अगले 3 दिनों तक होने वाले हैं, जिन्हें सुनेंगे तो दोस्तों आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों बहुत सारी ऐसी खुशखबरियां हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि दोस्तों आप सभी को चौंका देंगे, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि इनके साथ आपको सावधान भी रहना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश पे आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। यश में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में भी इन बातों को रखना होगा, जो बातें आज के इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, इन्हें बिल्कुल ही आप मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आज का यह वीडियो ग्रहों के गोचर पर आधारित पूरी तरह से आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। इनमें हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी विशेष सावधानियां रखनी होंगी, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी, किन किन क्षेत्रों में कार्य करने से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, साथ ही कौन कौन से कार्य, साथ ही आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा। दोस्तों 3 दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसे उत्पन्न होंगी, इन सभी के बारे में बात करेंगे। साथ ही दोस्तों आने वाले 3 दिनों तक आप सभी के जीवनकाल में आपको कौन से ऐसे उपाय करने हैं ताकि भगवान शनिदेव का जो यह ग्रह है आप सभी के जीवनकाल में बहुत सारी खुशियां दे और जो भी समस्याएं उनसे आप दूर हो सके। जय दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, सभी बातें जानना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होंगे। वह दोस्तों बात करते हैं सर्वप्रथम जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल में खुशियां मिलेंगी, परेशानियां दूर होगा। जय दोस्तों, तो आए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के कहने से यदि कोई अच्छा या बुरा होने लगे तो ये संसार या तो स्वर्ग बन जाए या तो पूरी तरह नर्क। इसलिए ये ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वो करो जो अच्छा लगता है, जो सच्चा लगता है, जिनके प्रति तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा श्रद्धा है। जी दोस्तों, तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों सके साथ बात करते हैं कि आने वाले 3 दिनों तक आप सभी को शनिदेव का प्यार कैसा मिलेगा। आने वाले 3 दिनों में आपको कौन सी विशेष सावधानी रखनी होगी, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ आपको मिलने वाली है, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बदलाव, कौन कौन से सुधार होने वाले हैं, शायद दोस्तों 3 दिनों में आपको कौन से महा उपाय को करना चाहिए, सभी बातें बहुत ही गहरी तरीके से बात किए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आपका अपने व्यक्तित्व और फिर रहन सहन के प्रति अधिक सजग रहना मित्रों और फिर सहयोगियों के बीच आकर्षण का कारण बनेगा, समाज में भी आपकी छवि और अधिक निखरेगी। दोस्तों जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण आपको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों रूप से स्वस्थ रखेगा। इसके उपरांत दोस्तों यह समय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यह समय धन से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन देन में सावधानी रखें, साथ ही धोखा हो सकता है दोस्तों, और आप किसी आर्थिक परेशानी में भी इनसे उलझ जाएंगे। भूमि संबंधी जो भी खरीद फरोख्त करते समय कागजातों की अच्छी तरह से जांच करवा लें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि आपके विचार ही आपके दुश्मन बने रहेंगे। हर किसी व्यक्ति के बारे में नकारात्मक होना आपको अपने ही अंदर नकारात्मकता भी दिखा सकता है।
दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दूसरों को बदलने का जिद और किसी भी रिलेशनशिप को खराब होने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना आपको प्रिय व्यक्तियों से दूर कर रहा है। दोस्तों खुद के द्वारा हुई गलतियों की जिम्मेदारी उठाना आपको यशमय सीखना होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों भावनाओं की बजाय चतुराई और विवेक से काम आपको लेना चाहिए। परिस्थिति जो है आपके पक्ष में कार्य कर रही है। दोस्तों बच्चों की किलकारी संबंधी कोई शुभ सूचना भी यशमय घर में मिल सकता है, जिससे उत्साह भरा माहौल भी रहेगा। साथ ही दोस्तों किसी अटके हुए काम को पूरा करने में भी यशमय आप सक्षम रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपको बता दें कि किसी भी योजना को बनाने से पहले उस पर भली भांति विचार अवश्य कर लें, बेहतर होगा कि दोस्तों घर के सभी सदस्यों की सलाह आप जरूर ले लें। दोस्तों पैसे के मामले में किसी भी पर भी यशमय विश्वास ना रखें, खुद पर ही और फिर सभी गतिविधियों को आप अपने तरीके से संभालें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों जितनी परिस्थिति आपके लिए कठिन लग रही है उतनी कठिनाइयाँ आपके जीवन में नहीं है, केवल आपके विचारों द्वारा आप जो है खुद को तकलीफ दे रहे हैं। इसलिए दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेकर फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए सुनोगे। आपको बता दें कि दोस्तों यशमय घर के नवीकरण अथवा रखरखाव संबंधी योजनाओं पर विचार विमर्श हो सकता है। किसी सामाजिक गतिविधियों में भी आपका यशमय महत्वपूर्ण योगदान होने से आपका मान सम्मान भी यशमय बढ़ने वाला है। इसके उपरांत दोस्तों अगर घर या फिर वाहन संबंधी खरीदारी की योजना बन रही है तो दोस्तों उसके लिए जो समय होंगे समय अनुकूल है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय परंतु कभी कभी आपके विचारों में वहम या फिर संकीर्णता जैसी नकारात्मक बातें आपके परिवार के लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों सबसे खास इस बात पर आप ध्यान रखें, अपने व्यवहार और विचारों में बदलाव लाने के लिए कुछ आत्मचिंतन भी आप यशमय करें। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आपको अपनी गलती सुधारने का अवसर भी यशमय प्राप्त होगा। इसलिए दोस्तों अपने द्वारा हुए कामों को जो भी गलत काम थे आपके यशमय उन्हें ठीक करने की आप कोशिश करते रहें। नए काम की शुरुआत करने के लिए ये जो समय है आपके लिए उतना ठीक नहीं होगा। इसलिए दोस्तों पेशे का निवेश करना कुछ दिनों के लिए या फिर कुछ समय के लिए आपके टाल दें तो आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपको बता दें आपके लिए समय होंगे। दोस्तों अपने परिवार के लिए किसी प्रकार के मुद्दे पर विचार विमर्श आपका हो सकता है तथा बच्चों की भी उत्तम विचारों की वजह से उनकी सराहना होगी। भूमि संबंधी कार्यों में भी अगर निवेश करने की आप प्लानिंग कर रहे हैं या फिर प्लानिंग कई दिनों से चल रही है तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे उस पर तुरंत अमल करें। परिस्थितियाँ आपके लिए यशमय अनुकूल रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों जो है अपने स्वभाव या फिर विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। कभी कभी आपका संकलानु स्वभाव दूसरों के लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट ना करके अपने करियर संबंधी योजनाओं पर ध्यान फोकस करें, इसलिए आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए सुनूंगी। आपको बता दें कि आपके द्वारा किए गए कामों के बारे में दूसरों के द्वारा प्रशंसा मिलने की अपेक्षा रखना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है। इसलिए दोस्तों अपना काम करते रहें और बड़ा यश प्राप्त करने की सोच रखकर आगे बढ़े। दोस्तों आपको आपके अंदर की सच्चाई और काम के प्रति निष्ठा को आगे बढ़ाना चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय आपके व्यवसाय के लिए सुनोगे। आपको बता दें कि यशमय बिजनेस में लेन देन के जो समय होंगे पक्के बिल का इस्तेमाल करें, क्योंकि दोस्तों यशमय किसी भी तरह की इंक्वायरी की आशंका बन रही है। रिटेल की अपेक्षा होलसेल कार्य ज़्यादा सफल रहेंगे। यशमय ऑफिस का माहौल जो है बहुत ही शांतिपूर्ण रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि यशमय कार्य क्षेत्र में कुछ खास फैसले लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है। दोस्तों बेहतर होगा कि कुछ भी नया शुरू करने की अपेक्षा अभी वर्तमान पर ही अपना ध्यान को आपको फोकस करें। नौकरी पेशा व्यक्तियों को किसी ऑफिशियल कार्य के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जीवन साथी के साथ उचित तालमेल बिठाकर रखने के लिए आपको सहयोग आवश्यक है। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें, ये आपके यशमय लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से आपका जो स्वभाव है उनमें चिड़चिड़ापन हो सकता है। दोस्तों मेडिटेशन या फिर योगा करना यशमय आपके समस्या का उचित निवारण होगा, तो दोस्तों इन पर जरूर ध्यान दें। तो भाई दोस्तों बात करते हैं कि यशमय आपको कौन से महत्वपूर्ण महा उपायों को करना चाहिए।
दोस्तों आप सभी को बता दें कि इन दिनों में आप घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल और सिंदूर को मिश्रित करके टीका लगाएं। जी दोस्तों, कोई भी बुरी शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगी, वास्तु दोष समाप्त होते हैं और दोस्तों लक्ष्मी अपना अस्थाई बसेरा बना लेती है और दोस्तों शनिदेव नज़र दोष से भी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों यह उपाय आप यश में जरूर ही कीजिएगा। दोस्तों आपको सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, जीवन काल में परेशानी भी खत्म होंगी, पैसे भी मिलेंगे और जीवन काल के नए मौके भी आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा उपाय है, इन्हें करें। तो दोस्तों कैसा यह वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही और अच्छी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।